हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर श्रीवास्तव। सो जैसा कि आप सबको पता है, मेरा लास्ट जो ब्लॉग था फर्स्ट टॉय ट्रेन ऑफ इंडिया, तो उसका एंडिंग वहां से हुआ था उन्हीं में मैं उतरा था और उन्हीं से ही अब ये वाला ब्लॉग चालू होगा। उन्हीं में क्यों आया हूँ, जैसा कि आपको पता था कि उन्हीं में मैंने बोला कि एक मंदिर है जो कि गुजरात का एक रहस्यमय मंदिर है, जहाँ से वहाँ पे एक कुआं है जहाँ से ऑटोमेटिकली मतलब ज़मीन से खुद एकदम खोलता हुआ पानी मतलब खुद निकलता है वहाँ से। और यहाँ पे इस भूमि पे भगवान श्री राम जी खुद आए थे। और अगर आपको जानना है कि ज़मीन से ऑटोमेटिकली मतलब खोलता हुआ पानी कैसे निकल रहा है और यहाँ राम जी क्यों आए थे और माता जी कैसे प्रकट हुई, सब चीज़ आपको जानने को मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना, और गुजरात और दर्शन जरूर करना। और क्योंकि यार लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, तो अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं और अब हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सामने माता की प्रतिमा दिख जाएगी और यहां पर बहुत सारे सुंदर से बगीचे भी आपको दिख जाएंगे और बैठने की बहुत सारी जगह सुविधा भी दी गई है। हमने प्रसाद बाहर ले लिया था, अंदर भी ले सकते हैं। चलिए जानते हैं इस मंदिर का रहस्य क्या है, क्यों इस मंदिर को चमत्कारी बोला जाता है और कैसे सारे भक्त यहां से अपने दुख और पीड़ा को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर की महिमा क्या है। इस मंदिर को इसलिए चमत्कारी माना जाता है क्योंकि यहां जमीन से खुद गर्म पानी खोलता हुआ पानी निकलता है और यह खुद प्राकृतिक रूप से होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उस समय की बात है जब भगवान श्री राम माता सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ जंगल से होते हुए ऋषि सरभंग के पास पहुँचे। सरभंग ऋषि प्रभु श्री राम के ही भक्त थे। उस वक्त ऋषि के आश्रम में बहुत महामारी फैली हुई थी और ऋषि भी इस बीमारी से पीड़ित थे। ऋषि सरभंग अपने प्रभु का स्वागत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी शक्तियों से अपने सारे घाव छिपा लिए, जिससे ना प्रभु श्री राम को पता चले, ना माता सीता, ना लक्ष्मण जी को। इसी कारणवश लक्ष्मण जी को ऋषि का सच पता चल जाता है और लक्ष्मण जी ने ऋषि से पूछा तो ऋषि ने अपनी दर्द भरी वेदना बताई और लक्ष्मण जी फिर भावुक हो उठे। फिर लक्ष्मण जी ने देरी न करते हुए ये सारी बातें प्रभु श्री राम को जाकर बता दी और राम जी भी भावुक हो उठे। ऋषि सरभंग की सच्ची निष्ठा भाव देकर प्रभु ने यह तय किया कि वह उन ऋषि सरभंग को इस बीमारी से मुक्त कराएंगे। प्रभु ने अपना बाण उठाया और पृथ्वी पर मार दिया और उसी क्षण पृथ्वी से अत्यंत गर्म और शीतल जल निकलने लगा और जल के साथ ही एक देवी की प्रतिमा भी बाहर आई। तब माता सीता जी ने कहा, यहाँ उष्ण अम्बा माता जी की पूजा की जाए। तब से लेकर माता की आज तक पूजा हो रही है और ऋषि ने यहाँ स्नान किया और कुछ क्षण में ही वह रोग मुक्त हो गए, पीड़ा मुक्त हो गए। फिर भगवान श्री राम ने यह जगह को वरदान दिया कि जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से माता के दर्शन करने यहाँ आएगा और झील में स्नान करेगा, उसे उस सारे दुख और पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। मंदिर है तो हम लोग जाएंगे अभी दर्शन करने। इसी की बात करता है, जैसे यहाँ पे अगर बैठने का सिस्टम है ना तो यहाँ पे शेड रहता है ना तो बहुत सही रहता है। और सामने आप वहाँ पे यज्ञशाला देख सकते हो। आप इस स्थान पर अपने चप्पल जूते यहाँ उतार सकते हो और यहाँ से ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हो। अब हम माता के प्रतिमा के पास पहुँच चुके हैं। माता के लेफ्ट साइड आपको देवों के देव महादेव के दर्शन भी हो जाएंगे। सो सबसे पहले हम महादेव के दर्शन करेंगे, तो चलते हैं। तो मंदिर में अंदर जाते हैं, आपको ये साइड गणेश जी दिख जाएंगे, यहाँ पे कार्तिकेय जी दिख जाएंगे आपको। और मंदिर के अंदर ऐसे एंटर कर दो, यहाँ पे महादेव दर्शन कर सकते हो आप।
शिवलिंग के ठीक पीछे माता पार्वती भी स्थापित है, आप माता पार्वती के भी दर्शन कर सकते हैं। राइट साइड भी माता यहाँ स्थापित है, आप यहाँ भी माता के दर्शन कर सकते हैं। कैमरा का उपयोग करना यहाँ वंचित था, इसीलिए हम आपको सही से दिखा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमें खेद है। यह जो अभी माता की प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह कुछ साल पहले ही बनाई गई है। जो मुख्य प्रतिमा है वो जस्ट इसके नीचे है, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। कहते हैं जब भी कोई यहाँ माता के दर्शन करने आता है वो खाली हाथ लौटकर नहीं जाता है। मुख्य तौर पर माता की प्रतिमा यह है, माता यहाँ विराजमान है। माता के मुख्य प्रतिमा के कुछ कदम दूर यहाँ नारियल फोड़ने के लिए भी सुविधा दी गई है। यहाँ आप नारियल फोड़कर चढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा रहेगा जो आपको नारियल फोड़ने में हेल्प करेगा। आप अपनी इच्छा से यहाँ नारियल चढ़ा भी सकते हैं। अभी हम वही स्थान पर जा रहे हैं जहां हम भगवान श्री राम ने तीर मारकर जल प्रकट किया था। अभी यह जगह पर पानी नहीं है, यह गर्मी की वजह से सूख चुका है। वही स्थल है जहां पर अत्यंत गर्म पानी और शीतल जल निकलता है, जिस जल से ऋषि सर्वभंग ने अपने साड़ी पीड़ा दूर की थी। माता के दर्शन कर लिए हैं, मुझे बहुत सुकून मिला। अगर आप भी अपने जीवन से दुख और पीड़ा को हटाना चाहते हैं, जीवन में सुख समृद्धि लाना चाहते हैं, तो एक बार ज़रूर यहाँ माता का दर्शन करने आए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, और लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और उनको भी बोलिए कि यहाँ पर आएँ और माता के दर्शन करें। तब तक के लिए जय माता दी।